दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे सीएसआई नेट के एज क्राइटेरिया के बारे में। यदि आप नेट के लिए अप्लाई करते हो तो क्या एज लिमिट होगी, जेआरएफ की क्या एज लिमिट होगी, अगर आप एससी एसटी ओबीसी जनरल एटसेट्रा कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, गर्ल्स हो तो कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ए टू जेड हर पॉइंट पर यहाँ पर हम बात करने वाले। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो बड़ा काम का साबित हो सकता है। साथ के साथ ही आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिलती रहे। यहां पर सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं अपन। यहां पर सीएसआई नेट एग्जाम की बात करने वाले हैं। एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। साल में दो पेपर होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। यहां पर स्पेशल अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे। हालांकि यहां पर जो एज क्राइटेरिया है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही होता है, लेकिन यहां पर मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूं। केमिस्ट्री आपको जो सब्जेक्ट कोड है वो 701 है। केमिकल साइंस आपको फॉर्म में यहां पर भरना होता है। यहां पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो नेट के लिए तो दो तरह के ऑप्शन आपको फॉर्म में दिखाई देते हैं, एक तो नेट फॉर लेक्चरशिप, एक जेआरएफ फॉर लेक्चरशिप, नेट फॉर जेआरएफ। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का ये होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो जेआरएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें या फिर नेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको बता देता हूं, अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है वो नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है तो बीस झिझक होकर आपको जेआरएफ वाला ही ऑप्शन चूज करना है, नेट वाला ऑप्शन चूज नहीं करना। अब आपने जेआरएफ वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लिया और सपोज करो आप जेआरएफ के कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाते लेकिन नेट के कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको बेफिक्र रहो, आपको नेट का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। जेआरएफ की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुई लेकिन नेट की क्वालिफाई होगी तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो आपने यहाँ पर नेट को ऑप्शन पर टिक कर दे, इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में अगर आपके ज्यादा नंबर आते हैं, 3 नंबर आते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई भी कर जाते हो लेकिन फिर भी आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको नेट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। इस बात का यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बात करें एज क्राइटेरिया की, तो देखो नेट के लिए ना तो कोई मिनिमम एज लिमिट है ना ही मैक्सिमम एज लिमिट है। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी दे रखी है वो बीएससी एमएससी आपको कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी बच्चा आपके घर में पैदा हुआ और पता चलता है उसको सीधा एग्जाम सेंटर में ले गए, भाई चल नेट का एग्जाम दे चुके, ठीक आप ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते ना। बस आपका क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बाकी कोई लोअर एज लिमिट नहीं है। इसी तरह से एज की यहाँ पर नेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट भी नहीं, आप मरते दम तक अपने अंतिम सांस जब चल रही है तब तक भी नेट का फॉर्म भर सकते हो, नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए यहाँ पर लिमिटेशन है, लोअर एज लिमिट यहाँ पर भी नहीं है लेकिन अपर एज लिमिट है यहाँ पर 28 ईयर्स। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा वो आपकी 10th की मार्कशीट के बेसिस पर किया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ। जैसे सपोज करो आप जून 2023 के लिए अप्लाई करते हो तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक डेट मेंशन होगी कि इस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज को कैलकुलेट करना है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और ये नोटिफिकेशन में डेट दे रखी, तो यहाँ से यहाँ तक आपके 28 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 28 ईयर या उससे कम है तो आप एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए। लेकिन अगर एक भी दिन ज्यादा निकल गया तो फिर आप जेआरएफ के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। उस कंडीशन में आप नेट के लिए भर सकते हो क्योंकि नेट के लिए कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर जनरल अनरिजर्व ओबीसी क्रिमिलेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर से हो तो आपको 3 साल का यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 31 ईयर्स तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यू से तो 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप जनरल से हो, एसएसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको 5 साल का यहाँ पर एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। आप 33 इयर्स तक कुल मिलाकर जेआरएफ के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और लेक्चरशिप की बात करें तो लेक्चरशिप के लिए तो कोई अलग से यहाँ पर है ही नहीं लिमिटेशन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए ताकि हम आपके हर सवाल का वहां पर जवाब दे सके। अब यहां पर मैं आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल के बारे में बता देता हूं। अगर आपको बिना कुछ किए, बिना पैसा खर्च किए सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप एज बोर्ड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीएसआर नेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर फ्री ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ कुछ आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक बड़ा पावरफुल ऑनलाइन कोर्स हो जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर, डाउनलोडेबल नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ए टू जेड सब कुछ मिल जाए ताकि आपको कम से कम समय में जेआरएफ
क्वालिफाई कर सके। तो यहाँ पर सी एस आर नेट का एच गोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जून और दिसंबर के लिए अलग अलग ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, गेट के लिए भी ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा। इन ऑनलाइन कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इनको ज्वाइन करने से पहले आप इनका फ्री ट्रायल ज्वाइन कर सकते हो। जो फ्री ट्रायल कोर्स है एक्चुअली वो फुल कोर्स की कॉपी होती है, मतलब फुल कोर्स का पूरा कंटेंट आपको फ्री ट्रायल कोर्स में देखने को मिलेगा। मतलब एक तरह से कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फुल कोर्स को पहले पढ़कर देख सकते हो उसके अंदर कंटेंट कैसा है। जब आप कुछ समय यूज में लेकर लोगे आप सब 100% सेटिस्फाई हो जाओगे, तो आप फुल कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड और भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर फ्री कोर्स कैसे आपको ज्वाइन करना हो, एच गोड क्लासेज को डाउनलोड करने का, एच गोड क्लासेज ऐप को डाउनलोड करने का लिंक, उसके लिए आप एप्लीकेशन का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। और भी किसी भी प्रकार के डाउट के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। और एक बात और बता देता हूँ, आप जब फुल कोर्स ज्वाइन करोगे तो उस समय आपको कूपन कोड अप्लाई करना है HGC कोटा। इसको अप्लाई करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर और मिल जाएगा। और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करना ना भूले, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।